राजनांदगांव जिला में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर के पति को मार डाला। तीनों ने हत्या करने के बाद शव को परावट में डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने कंकाल, कसीर और रीढ़ की हड्डियां को बरामद किया है। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव का है। दरअसल 27 फरवरी को तीनों आरोपियों ने सुकालू राम कुमार उम्र 36 साल की हत्या की थी। उसके बाद 12 मार्च को कंकाल का सिर और रीढ़ की हड्डियां मिली है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि सहसपुर गांव का युवक सुकालू कुमार कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसकी पत्नी ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। एसपी ने कहा कि मृतक सुकालू राम कुमार उम्र 36 साल की पत्नी केसरबाई कुमार पर पुलिस को शक था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया प्रेमी मनीष उर्फ मनीष कुमार और उसके दोस्त जितेंद्र उर्फ जीतू यादव के साथ साजिश रची गई। इसके बाद शव को पैरावट में डाल करके आग लगा दिया गया। आरोपी केसरबाई ने बताया कि वह अपने पति को रास्ते से हटाकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए अपने प्रेमी मनीष और उसके दोस्त जीतू को शादी समारोह में शामिल होने के बहाने बुलाया था। उसके बाद मनीष, जीतू और सुकालू शराब लेने ग्राम कटली चले गए। वापस आकर तीनों ने खूब शराब पिए। उसके बाद अधिक नशा हो जाने पर जीतू ने सुकालू के सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे सुकालू लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। मनीष ने गमछे से गला दबाकर हत्या की। मृतक की पत्नी के साथ मिलकर शव को पैरावट में डालकर आग लगाई थी। पुलिस ने बताया कि मिले कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब रायपुर भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर कंकाल की पहचान सुकालू कंवर निवासी सहसपुर के रूप में कर ली गई है। हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी केसरबाई कंवर, प्रेमी मनीष उर्फ मनीष खैरागढ़ निवासी और जितेंद्र उर्फ जीतू यादव घूमका निवासी को गिरफ्तार किया गया है।